हम फवाद के अफसोस के लिए आए हैं। तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? अंदर ही हैं। आप लोग तशरीफ लाइए। फवाद का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हम यहाँ पुरानी बातें नहीं करना चाहते, सिर्फ अफसोस के लिए आए हैं। सेबू कैसी है? उसे कहें मुझसे फोन पे बात कर ले, मैं खादा हूँ उसकी। जी मैं जरूर कहूंगी, लेकिन अभी वो खुद भी सदमे में है। आखिर उसका खाला जाद था, बचपन का साथ था। सेबू क्या गई? मेरे घर की रौनक ही चली गई। जेबू है ही ऐसी, जो उससे मिलता है उसका गर्वीदा हो जाता है। तलाक के बाद बिल्कुल बिखर गई थी जेबू, बात मुश्किल से संभली है। फवाद को भी इसी बात का पछतावा था। फवाद ने ऐसा क्यों किया? क्यों से गुस्से में तलाक दी? हम नहीं समझ सके, और ना ही जेबू इस बारे में कोई बात करना चाहती है। पुरानी रंजिशों को दोहराने का अब कोई फायदा नहीं। फवाद भी अपनी गलती पर शर्मिंदा था। फवाद बहुत मोहब्बत करता था सेबू से, बस वो उस मोहब्बत को संभाल नहीं सका। सफीना जी, आप उसकी खाला हैं, आप जब भी चाहें तो जेबू से मिलने आ सकती हैं, बे कोई एतराज नहीं है। आऊंगी, जरूर आऊंगी, जेबू बहुत याद आती है। मैं ना रहूं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सफीना जी आप हौसला रखें, हम यहाँ आपका दुख बांटने आए हैं, आपको दुख देने नहीं आए। वो आपकी भांजी है, आपसे मिलेगी तो उसको भी हौसला मिलेगा। सेबू आपसे बहुत करीब है, बस एक गुजारिश है आपसे कि खाला और भांजी के दरमियान कभी ये दूरी बताने दीजिएगा। मैं भी इन दूरियों को खत्म करना चाहती हूँ।